अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और मज़े मज़े के खाने खाएं। हम लोग अपने स्टॉप पे पहुंच के मैंने कहा आप स्टॉप पे पहुंच गए हैं तो चलो आप वीडियो बना लेते हैं। तुक्के पे बनाई थी तो वो तुक्के पे बनाते बनाते हमने बना ही डाली वीडियो। और ये जगह मुझे काफ़ी टाइम से दिल था इधर जाने का, खूबसूरत भी लगती थी, फ्रेंड्स की पिक्चर्स वीडियोस में देखा हुआ था। तो हमने कहा क्यों ना आज तुक्के पे तुक्का मारा जाए, तो हम लोग यहाँ चले गए। ये इसकी एंट्री थी बिल्कुल, यहाँ से इसको देखते देखते सीढ़ियाँ चढ़े तो ये माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत जगह ये इंटर हो गई थी मैम। तो ये रिसेप्शन टाइप की जगह थी, यहाँ पे कोई आदमी बैठा था पर उसने हमसे कुछ भी नहीं पूछा और हम लोग अंदर आ गए। माहौल अच्छा था, साफ़ सुथरा था, कोई गंद नहीं था, रोमांटिक, बहुत रोमांटिक वेदर हुआ हुआ था। हम लोगों को अच्छा लगा, एंट्री तो काफ़ी अच्छी थी, सुकून था। और ये एक मक्खी, हमें ऐसा लग रहा था ये जैसे हमारा पीछा कर रही है और इसने हमें खाना नहीं सुकून से खाने दिया, इसका बोतल पीने का दिल कर रहा था आई थिंक। ये मेरे पाँव हमेशा की तरह पाँव ही नज़र आते हैं जो कि आप लोग देखते हो। और ये सामने का व्यू बहुत ही सीरियसली प्यारा था, जैसा आपको नज़र आ रहा है ना ये वैसा ही व्यू था और इससे भी ज़्यादा प्यारा था। बस कैमरे की बात और अपनी आँख की बात होती है। तो ये इनका किचन था और सारा का सारा टोटल जो है एरिया वो यही था सारा का सारा। तो आप ये देखिए आराम से, ये है खब्बे की सज्जी। सॉरी आप लोगों को बताना मैं भूल गई, खब्बे की सज्जी मतलब सज्जे की खब्बी, खब्बे की सज्जी मतलब जो है ना मिक्स नाम है इसका। पहले मुझे अच्छा भला इसका नाम याद था, खब्बे की सज्जी। जब से मैं हो के आई हूँ ना सज्जी खब्बी हो जाती है मुझसे, मुझे याद ही नहीं रहता कि खब्बे की सज्जी है, सज्जी की खब्बी, ये क्या सिस्टम है। हम लोग जब गए तो यहाँ कोई रश नहीं था, कुछ फजूल लोग और लोग नहीं बैठे हुए थे, बहुत अच्छा माहौल था, सुकून था। और फिर हम लोगों ने कहा चलो ठीक, टिकटॉक की और स्नैक की वीडियोस बना लेते हैं साथ साथ, थोड़ी सी एम ही बना रही हूँ, देखते हैं वीडियो जल्दी कब है। तो ये बाहर का इसका व्यू था और ये हमारा खाना, हमने ऑर्डर कर दिया था, खाना हमारा आ गया। हमने कहा जी ओए होए, सज्जे की खब्बी क्या नाम है, इतना डिफरेंट नाम और खाना भी बड़ा ही झकास टाइप का होगा। इसके तीन फ्लेवर थे चावलों के और फोर जो थे वो चिकन के फ्लेवर थे। तो हम लोगों ने पैरी पैरी, टिक्का और कुछ, सॉरी भाई नाम मैं भूल गई हूँ, चारों हमने कहा मंगवा लेते हैं, देखते हैं कैसा है, अच्छा है कि नहीं अच्छा। तो जब चार ही हैं तो चारों टेस्ट करके हमें पता चल जाएगा, फिर नेक्स्ट हम वो वाला ऑर्डर कर देंगे। तो फिर हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया और हमने इसको खाया। खाने का बाद में बताऊंगी कैसा था, लोग बड़ी तारीफ़ करते थे कि बड़ा ही मज़े का है। हम लोगों ने मंगवा लिया और खा लिया। और ये आप लोग आराम से पूरा देख लें वो व्यू, ये इधर उधर बैठने का, जिस जिसने अपनी अपनी जगह मलनी है कि कल को हम भी खब्बे की सज्जी पे जाके खाएंगे तो वो जगह आप लोग देख लें। तो ये खा पी के फारिग हो के हम लोग एक साइड पे बैठ गए थे। तो अब हम खा पी के बिल्कुल फारिग हो गए थे। तो खाने का बता देती हूँ, खाना बस ठीक था, इतना बहुत ही कोई क्लास का नहीं था, मज़े का नहीं था, बस ठीक था। और पैसे भी इतने ज़्यादा नहीं लगे थे, 2200-2300, चार बंदों का इजीली खुला डुला खाना था जो कि हम लोगों ने खाया। और बिल मुझे नहीं याद रहा, उसकी भी पिक्चर ले लेती आप लोगों को दिखाती। और ये ढलती शाम, ढलता सूरज, बहुत प्यारा मौसम, मॉर्निंग में आए इवनिंग में आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। अब हम लोग जा रहे थे वापस घर को। तो ये बाहर चूड़ियाँ लगी हुई थी काफ़ी कलरफुल, बहुत ही प्यारी, पर टाइम नहीं था कि थोड़ी फ़ोटो शोटो भी खिंचवा लेते। तो उसी रास्ते से वापस हम लोग जा रहे थे नीचे, जिस रास्ते से हम लोग ऊपर आए थे। तो ये थोड़ा सा है साइड पे करके, थोड़ा जल्दी नज़र नहीं आता पर आंखें शांखें घुमा के देखने से आ जाता है नज़र। तो ज़रूर आए अगर इस तरह का व्यू आप लोगों को अच्छा लगता है, खुले आसमान के नीचे लंच या डिनर करने का, तो आप लोग ज़रूर आएँ। और ये हम लोग मज़े से
फारिग हो के नीचे आ गए थे। इसके सामने थे बांग्लादेशी पकोड़े, नहीं समोसे थे, सो वो भी हमने ख़रीदने थे इसीलिए क्योंकि वो काफ़ी फेमस थे जी, बहुत टेस्टी हैं, बहुत मज़े के होते हैं। बड़ी बहन ने खाए हुए थे तो उसने कहा लेंगे ही लेंगे, तो फिर हम लोगों ने कहा चलो पकोड़े लेते हैं। और ये पता है बहुत ही प्यारा सा वेदर हुआ हुआ था, तो हम लोगों ने वो लिए, बैग में रखे और हम लोग घर चले गए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।